फैक्ट्स एंड कंडीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान शिव के सबसे रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिर, जिनके रहस्य से वैज्ञानिक भी हैरान है, काल भैरव मंदिर वाराणसी। वाराणसी में भगवान शिव के अवतार काल भैरव जी का मंदिर मौजूद है, जो वाराणसी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। काल का मतलब मौत होता है और कहा जाता है कि मौत भी काल भैरव से डरती है। काल भैरव के इस मंदिर की खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को भी प्रसाद के तौर पर शराब या शराब की खाली बोतल दी जाती है। इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि मंदिर में शराब चढ़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात की राजधानी से 150 किलोमीटर दूर कवि कंबोई नाम की जगह पर स्तंभेश्वर महादेव नाम का प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर अरब सागर के कैम्बे तट पर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि समुद्र किनारे मौजूद होने के कारण ये मंदिर दिन में दो बार पूरी तरह समुद्र में गायब हो जाता है। दरअसल यह घटना चमत्कार नहीं बल्कि प्राकृतिक है, क्योंकि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है और मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। यहाँ दिन में दो बार सुबह और शाम के समय ज्वार भाटा आता है और मंदिर पानी में गायब हो जाता है। भक्त भगवान शिव जी के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर पानी के हटने का इंतजार करते हैं और मंदिर में जाते समय सभी भक्तों को ज्वार भाटा आने का समय भी बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शिव जी के बेटे कार्तिकेय जी को जब ताड़कासुर राक्षस का वध करने के बाद पता चला कि वह भगवान शिव का परम भक्त है तो कार्तिकेय जी को बेहद दुख हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु जी के कहने पर कार्तिकेय ने वध किए गए स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया और उसी जगह पर आज ये मंदिर बनाया गया है। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू। बिजली महादेव मंदिर मनाली से लगभग 60 किलोमीटर और कुल्लू से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर समुद्र तल से 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है, जहां से कुल्लू, मणिकर्ण, पार्वती और भुंतर घाटी दिखाई देती है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ ही यह मंदिर रहस्यमय और चमत्कारिक भी है, क्योंकि इस मंदिर पर हर 12 साल बाद आकाशीय बिजली गिरती है और इसी वजह से इस मंदिर को बिजली महादेव नाम दिया गया है। बिजली मंदिर के शिवलिंग के ऊपर गिरती है, जिससे शिवलिंग कई हिस्सों में टूट कर बिखर जाता है और मंदिर के पुजारी सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें मक्खन से जोड़कर दोबारा ठोस रूप देते हैं। मक्खन से बने होने के कारण इसे मक्खन महादेव नाम भी दिया गया है। इस मंदिर पर होने वाले वज्रपात की पौराणिक कहानी स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में इस जगह पर कुलांत नाम का दैत्य रहा करता था और एक दिन उसने एक विशाल अजगर का रूप लिया और ब्यास नदी में कुंडली मार कर बैठ गया ताकि वह पूरी घाटी को जल में डुबोकर खत्म कर सके। इसके बाद भगवान शिव भक्तों की रक्षा के लिए आए और अपने त्रिशूल से अजगर का वध कर दिया और लोगों की जान बचाई। माना जाता है कि रोहतांग से मंडी तक फैले पहाड़ कुलांत अजगर का ही शरीर था, जो उसकी मौत के बाद पहाड़ में बदल गया। कुलांत की मौत के बाद भी जब स्थानीय लोगों का डर नहीं गया तो शिवजी कुलांत के माथे पर यानी पहाड़ की चोटी पर ही बस गए और माना जाता है तभी से कुल्लू घाटी के सभी संकट भगवान शिव अपने ऊपर सहते हैं। तितलागढ़ शिव मंदिर। ओडिशा में तितलागढ़ के कुम्हाड़ा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है, जहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से
ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है? मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी लगा नहीं सके। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। ऐरावतेश्वरा मंदिर, तमिलनाडु। ऐरावतेश्वरा मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम में मौजूद एक हिंदू मंदिर है, जिसे 12वीं सदी में चोला के राजाओं ने बनाया था, और यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात इसकी सीढ़ियां है, जिन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि इन पर कदम रखने पर इनमें मधुर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। ये ध्वनि क्यों आती है और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका साफ पता आज तक नहीं चल पाया। साल 2004 में इस मंदिर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दी गई थी। कैलाश मंदिर, एलोरा। महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाओं में मौजूद भगवान शिव का कैलाश मंदिर एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। कैलाश मंदिर की खास बात इस मंदिर की बनावट है, जिसे सिर्फ एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है, और एक ही पत्थर से बनाया गया ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। हिस्टोरियंस के मुताबिक इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया होगा, और इसे बनाने के लिए यहाँ से 2000 टन पत्थर निकाले गए होंगे। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है, ऐसा आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के होने के बाद भी नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए हैरानी की बात है कि हजारों साल पहले के लोगों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी और ज्यादा ज्ञान के इस मंदिर को इतनी सुंदरता से कैसे बना लिया होगा, या तो फिर वो हमसे बहुत ज्यादा आगे थे टेक्नोलॉजी के मामले में। हिस्टोरियंस का मानना है कि आज की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन पत्थरों को निकालकर इस तरह से मंदिर बनाने में 100 साल तक लग सकता है, लेकिन यह मंदिर उस समय सिर्फ 18 सालों में बनकर तैयार हुआ था। भगवान शिव के इस मंदिर को इसकी अनोखी बनावट के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इस बात से यह पता चलता है दोस्तों कि भारत का इतिहास बहुत ही सुनहरा रहा होगा, और भारत में ज्ञान और टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा विकसित रही थी। अचलेश्वर महादेव मंदिर, राजस्थान। राजस्थान में दौलापुर के जंगलों में भगवान शिव का ऐसा चमत्कारी मंदिर मौजूद है, जहां पर शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। इस मंदिर का नाम अचलेश्वर महादेव है, और इसका इतिहास किसी को नहीं पता कि इस मंदिर को कब और किसने बनवाया था। मंदिर में मौजूद शिवलिंग का रंग सुबह के समय लाल, दोपहर के समय केसरिया और शाम के समय सांवला हो जाता है, लेकिन शिवलिंग का रंग क्यों बदलता है इसका पता नहीं चल पाया है। इस शिवलिंग की एक और खास बात यह है कि इस शिवलिंग की गहराई कितनी है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। एक बार शिवलिंग के आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए खुदाई करवाई गई थी, लेकिन जमीन के बहुत नीचे तक खोदने के बाद भी जब शिवलिंग का आखिरी छोर नहीं मिल पाया तो खुदाई को बंद करवा दिया गया। निष्कलंक महादेव मंदिर, गुजरात। निष्कलंक महादेव मंदिर भावनगर, गुजरात के कोलिया तट पर मौजूद भगवान शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर में 5 शिवलिंग मौजूद है, जिनके सामने नंदी जी की मूर्ति भी मौजूद है। इन शिवलिंगों को स्वयंभू माना जाता है, यानी कि ये शिवलिंग खुद ही प्रकट हुए थे। यह मंदिर समुद्र तट से 1.5 किलोमीटर दूर अरब महासागर में मौजूद है, और भारी ज्वार के दौरान पूरा मंदिर समुद्र में डूब जाता है और मंदिर की ध्वजा ही दिखाई देती है। भक्त ज्वार कम होने के बाद मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है, और इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि समुद्र का तेज बहाव भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ती। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपने कौरव भाइयों की हत्या करने के बाद पांडव इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण से मदद ली, और श्री कृष्ण जी ने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली गाय दी, और कहा कि तुम्हें इस काले ध्वज और काले गाय का पीछा तब तक करना है जब तक दोनों का रंग सफेद नहीं हो जाता, और जहां पर भी इनका रंग सफेद होता है
वहां पर पांडवों को भगवान शिव की तपस्या करनी है, क्योंकि भगवान शिव ही इन्हें इस पाप से मुक्त करा सकते हैं। इसके बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर काला ध्वज हाथ में लेकर काली गाय का अनुसरण करने लगे और कई सालों तक पीछा करने के बाद कोलिया तट पर पहुंच गए। और वहां पहुंचने पर गाय और ध्वजा दोनों का रंग सफेद हुआ और वहीं पर पांडव शिव जी की तपस्या करने लगे। पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 5 पांडवों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए और 5ों को कौरवों की हत्या के पाप से मुक्त किया। वही 5 शिवलिंग आज भी उसी जगह पर मौजूद है और इस जगह पर भगवान शिव ने पांडवों को कौरवों की हत्या के पाप के कलंक से मुक्त कराया था, इसीलिए ये निष्कलंक महादेव नाम दिया गया है। केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड। भगवान शिव के श्री केदारनाथ मंदिर को तो लगभग सभी भारतीय जानते होंगे और इस मंदिर का दर्शन करना बहुत से लोगों का सपना भी होगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के पास मौजूद है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध है। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों द्वारा बनाया गया था और कहानी है कि महाभारत के युद्ध में अपने कौरव भाइयों की हत्या के बाद भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए थे, जिसके बाद पांडव शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें ढूंढने काशी पहुंच गए, लेकिन शिवजी वहां से छुपकर केदारनाथ पहुंच गए। जब पांडव शिवजी का पीछा करते हुए केदारनाथ भी पहुंच गए तो भगवान शिव ने भैंस का रूप लेकर भैंसों के झुंड में छिप गए, पर भीम ने उन्हें भैंस के रूप में भी पहचान लिया तो शिव जी जमीन के नीचे समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पूछ पकड़ ली जिससे भैंस का मुख नेपाल में निकला और शिवलिंग बन गया और वहां पर श्री पशुपति नाथ जी का मंदिर बनवाया गया और भैंस की पीठ का कुबड़ वाला हिस्सा केदारनाथ में ही रह गया जो शिवलिंग बन गया। अतः इन दोनों की स्थानों के शिवलिंग स्वयंभू है। इसके बाद पांडवों ने इस शिवलिंग की पूजा की और यहाँ मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के निर्माण में इंटरलॉकिंग तकनीक के साथ विशालकाय पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और प्राचीन समय में इस तरह से मंदिर को बनाना आज भी लोगों को हैरान करती है। मंदिर की बनावट कुछ ऐसी थी कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक आए छोटे से हिमयुग में यह मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन बर्फ हटने के बाद भी मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था। पहाड़ी में मौजूद मुश्किल रास्ता और ज्यादा बर्फबारी होने के कारण केदारनाथ मंदिर को दीपावली के दूसरे दिन से 6 महीनों के लिए बंद किया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 6 महीने के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो मंदिर के अंदर का दीपक तब भी निरंतर जल रहा होता है और मंदिर की सफाई भी वैसी ही होती है जैसे मंदिर को बंद करते समय थी। केदारनाथ मंदिर का चमत्कार हाल ही में 2003 में केदारनाथ में आए बाढ़ में भी दिखा था। यह बाढ़ इतना भयंकर था कि इसमें 10,000 के करीब लोगों की मौत हो गई और आसपास के सभी इमारतें बह गई, लेकिन भगवान शिव का चमत्कार ही था कि एक विशाल काय पत्थर पानी में बहकर आया और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जिससे बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बढ़ गया और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। केदारनाथ मंदिर के ये सभी रहस्य और चमत्कार ही इसे सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। असीरगढ़ शिव मंदिर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में असीरगढ़ नाम का किला मौजूद है, जिसे माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में असह अहिर नाम के राजा ने बनाया था। इस किले में एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है जिसे गुप्तेश्वर महादेव नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में हर रात महाभारत के अमर पात्र अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा महाभारत में कौरव के योद्धा थे और युद्ध में हुए उनके पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने रात के समय पांडव पुत्रों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि कलयुग खत्म होने तक अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं होगी और उन्हें तब तक हर तरह की बीमारी और पीड़ा को सहना पड़ेगा और उनके जख्म और दर्द भी कम नहीं भरेंगे।
अश्वत्थामा के माथे पर बचपन से एक दिव्य मणि भी मौजूद थी, जिसे श्री कृष्ण ने निकाल दिया था। कहा जाता है श्राप के बाद अश्वत्थामा जगह जगह भटक रहे हैं और भगवान शिव की पूजा करने के लिए वह असीरगढ़ किले में मौजूद इस शिव मंदिर में हर रात आते हैं। आश्चर्य की बात ये है कि रात के समय मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब सुबह जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं तो मंदिर के शिवलिंग पर रोज ताजा फूल और चंदन चढ़ाया हुआ मिलता है। किले के आसपास के गांव के कुछ लोगों ने भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात मानी है और उनका कहना है कि कई बार उन्हें 10-12 फुट का इंसान देखने को मिला है, जिसके माथे और शरीर में बहुत से जख्म है और वह जख्म को ठीक करने के लिए लोगों से तेल और हल्दी मांगता है। शिवलिंग में रोजाना नए फूल के चढ़ावे के रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत से न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स ने भी किले में रुककर रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अश्वत्थामा तो कभी नहीं दिखा, लेकिन शिवलिंग में सुबह नया फूल और चंदन को जरूर देखने मिलता था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी शिव भगवान के भक्त है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, ताकि शिव भगवान के चमत्कार और उनकी कृपा सब पर बनी रहे।